नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हरे गुलाब को किस तरह से गमले में ट्रांसफ़र करें। तो ये है हरा गुलाब, देखिए। तो इसको हम जो है बाज़ार से लाए हैं, मैंने इसको मंगाया नेट से। तो दोस्तों, ये देखा हरा गुलाब आपने, मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो इसे किस तरह से ट्रांसफ़र करना वो मैं आपको बता दूँ। ये मेरा गमला है, इसको मैं पहले से तैयार करके रखा हुआ हूँ। ये 7-8 दिन पहले मैंने इसमें जो है खाद वाद डाला था और पानी डाल के इसको हर रोज़ उलट पलट करता था। तो ये 7 दिन हो चुके हैं, इसमें मैंने 4-5 दिन से कोई भी खाद नहीं डाला है दोस्तों। अब जो है इसमें हम जो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम मिट्टी को थोड़ा अच्छी तरह से इस तरह से उठा के अलग कर देते हैं ताकि हमें आसानी से लगा सकें। दोस्तों, आप लोग भी ऑनलाइन पौधा मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं। देखिए, तो ये पूरी जड़ है, देखिए बहुत बढ़िया पौधा है। तो इस तरह से जो है हम इसमें देखेंगे इसका जो है सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ठीक लग रहा है। इस तरह से जो हम मिट्टी इस तरह से डाल देंगे और पानी डाल देंगे इसमें हम थोड़ा। दोस्तों, इसमें कोई भी औजार का आप जब भी इस्तेमाल करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। कौन कौन से खाद लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये कंपोज है, ये कंपोज आपको 15 दिन में 1 चम्मच डालना है, क्योंकि ये गमला है इसलिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये है सरसों खली, इसको भी सिर्फ 1 पीस डालना है, देखिए। वो भी 15 दिन बाद, क्योंकि कम से कम इसमें जो है 15 दिन बाद ही आपको खाद डालना है दोस्तों। उससे पहले नहीं डालना है क्योंकि अभी ये पौधा जड़ पकड़ेगा। तो ये है सरसों खली है, ये आपको आसानी से जो है जहाँ पे जानवर लोग का जो है दाना मिलता वहाँ मिल जाएगा, या फिर जो है जहाँ पे खेती किसानी का जो बीज मिलता वहाँ मिल जाएगा आपको। और ये है नीम खली, तो इसको भी 1 टुकड़ा 15 दिन में डालना है। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप डालें तो एक साथ ना डालें, 10-10 15-15 दिन का थोड़ा आप गैप रखें ताकि खाद जो है उसको जो है मिलने में जो है आसानी हो। ये नहीं कि आप सब एक साथ ही सरसों का भी डाल दिए, नीम नीम खली भी डाल दिए, कंपोस्ट भी डाल दिए, तो इस तरह से ना डालें। चेंज कर करके डालें, 2-2 3-3 दिन, लेकिन ये रखें कि 15 दिन में एक बार ही आपको डालना है और थोड़ी सी मात्रा डालनी है क्योंकि ये गमला है। इसके अलावा देखिए, ये मेरे पास जो है खाद है, इसको 15-15-15 बोलते हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। इससे फूल बहुत बड़े और ज़्यादा होंगे, तो इसको भी आपको एक महीने में एक ही बार डालना है, वो भी 4 से 5 दाना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों। तो इससे फूल जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जहाँ तक के ये पौधे की बात रही, तो इस पौधे को हम जो देखते हैं, इसमें जो चूहे
क्योंकि बाहर से आया हुआ है तो इसके पौधे की जो पत्तियाँ कुछ पीली हो गई हैं, तो हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए कुछ पत्तियाँ जो पीली हो चुकी है, तो हम इसे निकाल देते हैं क्योंकि ये वैसे ही डेड है इस तरह से। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये पत्ती देखिए कैसे खराब हो गई है, इसको हम निकाल देंगे। और ये जो फूल है इसे भी हम निकाल देंगे, क्योंकि जो है ये फूल अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे निकाल देंगे। इसलिए फूल को इसलिए निकालेंगे ताकि अगले बार जो फूल जो है ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मात्रा में जो है ये इसके जो फूल लगेंगे, इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं। ये है वो फूल। तो इसमें देखिए खाद का विशेष ध्यान रखना है आपको, और मैं इसको कम से कम 15 दिन तक के जो है धूप नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए अगर दिखाना हुआ तो दिखाऊंगा इसको, क्योंकि इसको आपको लगाना जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस महीने में आप लगाइए गुलाब का जो भी लगाना चाहते हैं आप। तो ये जो है ये है ग्रीन गुलाब, तो इसे आप जो है छांव में रखिए। और खाद कम से कम जो है आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि खाद जो है 15 दिन से पहले आपको नहीं डालना है, 15 दिन के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है हरा गुलाब लगा सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।